वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को सर्दी, जुखाम, गले में खराश, नाक बहना, बंद नाक जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एलेक्स कोल्ड सिरप के बारे में। एलेक्स कोल्ड सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एलेक्स कोल्ड सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है क्लोरफेनरामिन 2 mg 5 ml में, फेनाइलफ्रीन 5 mg 5 ml में होता है, और इस सिरप को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों में सर्दी जुखाम के लक्षणों के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि बंद नाक, नाक बहना, आँखों से पानी आना, गले में खराश, छींक आना और एलर्जी के लक्षण जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुखाम, गले में खराश जैसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को अपने बच्चे को दे सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे को नज़र आ सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, नींद आना, सुस्ती जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं आपके बच्चे को नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इसे यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि 3 साल के बच्चे को 2.5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 60 ml सिरप आपको 90 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको एलेक्स कोल्ड सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।